तो गाइस नाइट लाइफ के लिए ये सारी जगह पे जा सकते हो। लगाओ लगाओ, कम ऑन, दो तीन और। जमीन और खाने में कंपैरिजन कपड़े हैं क्या? सबको पता यार, ये तो कपड़े लड़कियों की शॉपिंग हो जाती है, सारे कपड़े सरोजनी गई। तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, लेकिन वहाँ पर क्लबिंग, कैफे सब कुछ है। लड़कियाँ अकेले मत जाने, ऐसे लड़के मिलते हैं वहाँ पे। स्टेशन है फिर वो है लाजपत नगर। व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अंश राजपूत ब्लॉग्स और स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो गाइज आज मैं बैठा हूँ अपनी गैंग, चड्डी बड्डी गैंग के साथ, ठीक है, आलोक, मुस्कान, सुष्मिता कागेरी और तरुषी। बंदा क्या लाउड है। हाँ तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं साउथ कैंपस के एनवायरनमेंट के बारे में, और साउथ कैंपस में ऐसी कौन कौन सी चीजें जो अपने दोस्तों के साथ आप घूम सकते हैं, जा सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं और मतलब मजे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं DCAC कॉलेज के, साउथ कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और हमारे कॉलेज के जो आसपास चीज़ें हैं भाई वो बताओ, चलो सारे बताओ। हमारे आसपास सबसे पहले तो मिनी, और वो बहुत नाम से मिनी है लेकिन भाई उसका खाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो आप कुछ भी खाओगे आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, और साइड में बिरयानी वगैरह है, मतलब बहुत अच्छा होगा। तो गाइस बेसिकली मिनी ना हम DCAC लोगों का एक हब है, छोटा सा, बहुत छोटा सा हब है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीजें नहीं है हमारे कॉलेज के आसपास, क्योंकि हमारा कॉलेज जंगल में है, थोड़ा बीच में लोकेटेड है। और गाइस जो मिनी है ये वो ना बहुत पास है कॉलेज के, मतलब 100-200 मीटर की दूरी पे आप पैदल पैदल आप कॉलेज से, मतलब हमारे DCAC से हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। बाकी जगह बताओ भाई। हाँ तो दिल्ली हाट आई एन ए जा सकते हो तुम, वहाँ पे ना एक छोटा सा क्या है, मतलब काइंड ऑफ मेला जैसा वो लगा रहता है, 30 रुपए की टिकट होती है उसकी, जाओ अपना पूरा एक्सप्लोर करो। वहाँ पे खाने का भी होता है, घूमने का भी होता है, शॉपिंग के भी होता है, गर्ल्स की ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत अच्छी है और सूट भी बहुत अच्छे वगैरह, मतलब और गाइस बहुत ज्यादा महंगा होता है, बहुत ज्यादा महंगा होता है क्योंकि हम गए हुए हैं। हाँ सेकेंड आती है सरोजनी नगर। तो सरोजनी नगर तो भाई बहुत ज्यादा फेमस है, ये आपने देख ही रखा होगा, मतलब उसका ऑलरेडी आपको पता ही होगा सब। Excuse me, brother. लेकिन भाई फिर भी बताओ आपका, आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा है? नियरेस्ट कॉलेज से मे बी 1 or 2 किलोमीटर। हाँ तो कैसा लगता है आपको, मतलब क्या क्या चीजें हैं वहाँ पर? काफी अफोर्डेबल है, कपड़े हैं, सबको पता यार ये तो कपड़े हैं वहाँ सरोजनी में। हाँ तो भाई सरोजनी का तो आप लोगों को पता ही होगा यार, बहुत ज्यादा मतलब बहुत सस्ती में लड़कियों की शॉपिंग हो जाती है, सारे कपड़े सरोजनी के ही। जो आप देख सकते हो सारे सरोजनी के हैं, इनको ज्यादा हाई फाई मत समझ लेना, गलती मत कर। बाकी यार और जो चीजें हैं जो आप घूम सकते हो हमारे साउथ कैंपस में वो है चाणक्यपुरी। भाई चाणक्यपुरी गया है तुम में से कोई? हाँ, कैसा है? कैसा है? बहुत अच्छा है चाणक्यपुरी। तो चाणक्यपुरी बहुत टेस्टी है गाइस, उस कार के हिसाब से तो आप जा सकते हो वहाँ पर भी। चाणक्यपुरी में ना सैंडविच वगैरह और क्या क्या मिलता है, बर्गर भी मिलता है क्या, बड़ा पाव मिलता है, क्या मिलता है, कुछ तो मिलता है गाइस। उसके बाद आता है हमारे पास लाजपत नगर, ठीक है। लाजपत नगर भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा, लेकिन उसकी सबसे फेमस चीजें बताओ एक एक करके, जल्दी जल्दी बताओ। वहाँ की मार्केट बहुत अच्छी है, स्पेसिफिकली फॉर ट्रेडिशनल वेयर, ठीक है। ये कपड़ों से रिलेटेड हो गया गाइस। खाने के लिए ना वहाँ पर ना वड़ा पाव बहुत अच्छा है, तो वड़ा पाव में ना वहाँ पर चीज वड़ा पाव मिलता है, वो भी बहुत टेस्टी है, वो ट्राई कर सकते हैं। और 110 रुपए प्लेट है उसकी। 110 में दो आते हैं ना? हाँ। 110 में गाइस दो मिलते हैं, तो मतलब बहुत बढ़िया लगता है। उसके बाद गाइस डोलमा आंटी के मोमोज आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, लेकिन अच्छे अवंतिका के मोमोज हैं, और वो गेट नंबर 5 पे अगर आप विजिट करोगे और सीधा सीधा लेन में जाओगे वेस्ट साइड को क्रॉस करके, तो आपको वहाँ पे अवंतिका के मोमोज मिलेंगे और वो वर्थ इट होगा। उसके बाद आता है हमारे पास लाजपत नगर में कॉन्सेप्ट का शोरमा गाइस, और वो गाइस आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां से देख सकते हो साउथ कैंपस वाली, ठीक है। हाँ गाइस कैफेज बहुत सारे हैं लाजपत में, सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है 0 डिग्रीज, और भी बहुत सारे लाइन्स हैं वहाँ पर लाजपत में, लेकिन सबसे बेस्ट है 0 डिग्रीज, तो आप 0 डिग्री जरूर ट्राई करें। हाँ गाइस फेमस है सत्यनिकेतन। हाँ उसके बाद आता है गाइस सत्यनिकेतन, वो तो हमारे मतलब पूरे साउथ कैंपस का लिटरली हब है, जैसे नॉर्थ कैंपस में हडसन लेन है वैसे ही साउथ कैंपस में हमारा सत्यनिकेतन है। सत्यनिकेतन में लाइन से कैफेज हैं भाई, और वैंकी के जस्ट साइड। तो अगर आप जाओगे सत्य तो आप वैंकी और ARSD भी जाके आप उनके उसके भी दर्शन कर सकते हो, बहुत ज्यादा पास है। साउथ एक्स भी एक बहुत ज्यादा फेमस जगह है, ये आलोक को पता है, आलोक भाई बताओ। साउथ एक्स में पार्ट 2 जस्ट मेट्रो के पास ही है, मैगी पॉइंट है, वहाँ पे आप कोल्ड कॉफी वगैरह, मैगी वगैरह, डोसा वगैरह बहुत अच्छा मिलता है, वहाँ जाके भी ट्राई कर सकते हैं।
उसके बाद गाइस आता है हमारे पास हौसखास विलेज, तो आप हौसखास जरूर से जाके ट्राई कर सकते हो, वहाँ पर क्लबिंग कैफे सब कुछ है भाई। तरुषी बताओ आप लोग का, रात में अकेले बिल्कुल मत जाना उस एरिया में। बाकी क्लबिंग के लिए अच्छी जगह है, अंसल प्लाजा है, हौसखास है, नेहरू प्लेस है, CPT है जहाँ बहुत सारे क्लब्स है, एंड दिल्ली की नाइट लाइफ देखना तो ये सारी जगह पे आप जा सकते हो। तो गाइस नाइट लाइफ के लिए ये सारी जगह पे जा सकते हो, लेकिन हौसखास विलेज लड़कियां अकेले मत जाने, तो ऐसे लड़के मिलते हैं वहाँ पे। गाइस उसके बाद आता है चंपा गली। गाइस चंपा गली बहुत ज्यादा फेमस है, साकेत में पड़ता है चंपा गली, लेकिन हमारे कॉलेज से साउथ कैंपस से मतलब ज्यादा दूर नहीं है। और सुंदर नर्सरी, गाइस सुंदर नर्सरी भी जा सकते हो। सुंदर नर्सरी के साइड में ही हुमायूं सामने, आमने सामने साइड में नहीं है, आमने सामने है, ठीक है। नियरेस्ट मेट्रो जो है सुंदर नर्सरी के लाजपत या निजामुद्दीन में से एक है। नहीं भाई, हम लाजपत से रहे, ₹40। तो गाइस ठीक है, तो हमारा जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है फिर वो है लाजपत नगर। तो गाइस यहाँ पर मतलब मंजीत भी जुड़ चुके हैं। मंजीत सर हेलो कर दो। हाय। लेकिन हमारी दो जगह और रह चुकी हैं, बताओ भाई कौन कौन सी जगह है। मालवीय नगर एंड ग्रेटर कैलाश। तो जी के जनरल नॉलेज मत समझ लेना गाइस, ग्रेटर कैलाश है बहुत ज्यादा अच्छी जगह है। मैं तो नहीं गया कभी, लेकिन ये बता रहे हैं, तो यार आप जाकर ट्राई कर सकते हो। खान कैफेज बहुत अच्छे थे, आप जा सकते हो, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो।